आप लोग सब ठीक होंगे तो देखिए कितना अच्छा मौसम हो रहा है। आज मौसम अच्छा था तो आज मैंने यहाँ थोड़ा सा खुदाई भी कर दी है। तो इसमें लगाने वाले हैं हरी मिर्च, और ये हमारा कद्दू का पेड़ देखिए कितना बढ़िया गया है ऊपर तक। जब इसमें लगेंगे कद्दू और कद्दू के टूके, उसके बाद आपके लिए उसकी रेसिपी लेके आऊँगी। और इधर मैंने फूल भी लगा दिए हैं, फूल भी चाहिए होते हैं। तो घर का काम हमारा हो गया है, बनाते हैं रेसिपी। तो रेसिपी में हम क्या बनाने वाले हैं आपको बताते हैं। तो बनाते हैं रेसिपी, चलते हैं अपने किचन में। आज हम बाहर से ही बनाने वाले हैं, बढ़िया सा मौसम हो रहा है। तो इधर आज मैंने ऊपर रख दिया है गमला, कितना प्यारा लग रहा है, फूल खिल रहा है। इधर हमारा चूल्हा गीला हुआ है, फिर भी हम आग जलाने की कोशिश करेंगे। आग जला लेते हैं सुबह। अभी हमने थोड़ी देर पहले इसमें खाना बनाया था तो चूल्हा जला हुआ है। लकड़ी को अच्छे से जोड़ लेते हैं। आजकल बरसात में चूल्हा गीला हो जाता है। आग हमारी जल चुकी है, बनाते हैं रेसिपी। उसके लिए ले रखा है मैंने पनीर। पनीर को हमने लंबे और पतले पीसों में काट लिया है। तो इधर बैठ जाते हैं। तो इधर हमारा पनीर कट चुका है, तो इतने छोटे पीस में हमने इसको काट लिया है। अब ले रखे हैं हमने यहाँ ब्रेड। ब्रेड की करते हैं कटिंग, किनारे से काट लेंगे। तो ये किनारा जो है ना, ये काला, इसको निकाल देंगे। तो सभी ब्रेड को हम काट लेते हैं इसी तरीके से। तो ब्रेड को हमने काट लिया है, किनारों को हम साइड में रख देंगे, बस हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। अब ब्रेड को रखेंगे चकले के ऊपर, अच्छे से इसको बेल लेंगे, खूब बढ़िया करके, खूब दबना चाहिए इसको। इस तरीके से हम इसको बेल लेंगे चारों तरफ से, जैसे रोटी बेलते हैं ना, उस तरीके से दबा दबा के इसको हम बिल्कुल रोटी जैसा बना देंगे। तो ब्रेड लंबाई में है, हमने लंबाई में इसको ज़्यादा बेला है, तो सब बेल लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। ब्रेड को हमने अच्छी तरह से बेल लिया है, देखिए कितना बढ़िया करके, बिल्कुल टाइट होना चाहिए। अब रखेंगे इसको साइड में। अब ले रखा है मैंने एक बाउल, बाउल में डालेंगे हम मिर्च मसाला। सबसे पहले हम स्वाद अनुसार डालेंगे नमक। अब लेंगे हम धनिया पाउडर आधा चम्मच, हल्दी, जीरा पाउडर, लाल मिर्च, गरम मसाला। मसालों को करते हैं अच्छे से मिक्स। अब डालेंगे इसमें हम थोड़ा सा पानी, पानी हमने ज़्यादा नहीं लेना है, और करेंगे मसालों को अच्छे से मिक्स। अच्छा सा बनाते हैं इसका पेस्ट। तो हमारा मसाला बनके हो गया है तैयार। अब जो हमने पनीर ले रखा है इसके अंदर डाल देंगे सब, और इनकी करेंगे कोटिंग, बढ़िया करके मसाला इनमें लगा लेंगे। तो बनाया हमने चटपटा सा मसाला। तो एक एक करके इनको मिक्स कर लेते हैं मसाले में। तो पनीर में हमने अच्छे से मसाला मिला लिया है। अब करते हैं रेसिपी बनाने की तैयारी। तो हमारी आग भी जल के तैयार है। सबसे पहले हम चूल्हे में चढ़ाएंगे तेल। कढ़ाई को चढ़ा दिया है हमने। तो इधर हमारा पनीर भी तैयार है, ब्रेड भी तैयार है। अब इसमें लगाएंगे हल्का सा हम पानी, ऐसे करके जब हम इसको रोल करेंगे जो फटे ना। ब्रेड में हमने हल्का सा पानी लगा दिया है। अब ले रखिए हमने चीज़, चीज़ को भी इसके ऊपर से रखेंगे, क्योंकि चीज़ वाला बच्चों को बहुत पसंद आता है। ये देखिए, तो इसके ऊपर से चीज़ रख दी। तो इधर ले रखा है हमने पनीर का पीस, इसको भी रख देंगे इसके ऊपर से, ऐसे करके साइड में रखेंगे। तो अब ऐसे दबाएंगे इसको, ये देखिए ऐसे करके। तो अब बना देंगे इसका रोल हल्के हाथ से, और हल्का सा इसमें लगाएंगे बैटर। तो ये बना रखा है मैंने मैदे का घोल, गाढ़ा सा, हल्का सा ऐसे लगाएंगे ब्रेड में, तो ये चिपक जाता है ऐसे करके। थोड़ा सा ऐसे दबा लेंगे इसको। तो इधर ले रखी है मैंने ब्रेड क्रम्स, तो ये भी हमको चाहिए, मैंने घर पर ही बना रखा है इसको। अब ये ले रखा है जो हमने रोल इसको बनाया था, तो थोड़ा सा हम इसको मैदे में डिप करेंगे इस साइड से, ये देखिए किनारे, और ऐसे करके, और हल्का सा किनारे से लगा देंगे। अब रखेंगे ब्रेड क्रम्स में और इसको चिपका लेंगे ऐसे करके।
गरम हो गया, अब रोल को हम तेल में डाल देंगे, इनको तल लेंगे हल्की आंच में। तो बच्चों के लिए बहुत परफेक्ट रेसिपी है ये, इसको जरूर घर पर बनाना। इनको ज़्यादा समय नहीं लगता है तलने में, एकदम बन जाते हैं। थोड़ा सा घुमा फिरा के हम इनको तल लेंगे। तो देखिए हमारी चीज़ भी पिघल गई है और हमारे ब्रेड रोल बन के तैयार हो गए हैं। ज़्यादा इनको समय नहीं लगता है दोस्तों, एकदम डालो और फटाफट घुमाओ और निकाल दो। तो लीजिए हमारे ब्रेड के पनीर चीजी रोल बनके हो गए हैं तैयार। कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी? तो एक रेसिपी बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत लगती है, इसके लिए एक लाइक जरूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। दिखाते हैं आपको इसको तोड़ के, तो कैसे हो रहे हैं तो दिखाते हैं आपको। ये क्या गजब! ऐसी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।